शराब दुकान बंद कराने के लिए बड़ी संख्या में बागतराई और वार्डवासियों ने किया जोरों से विरोध प्रदर्शन। धमतरी जिले के सोरित वार्ड में शराब भट्टी को बंद कराने के लिए भारी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। आशीष रात्रे ने बताया कि आज आंदोलन की तीसरे दिन है। जब तक जिला प्रशासन द्वारा शराब दुकान को बंद नहीं किया जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा और आगे आंदोलन तेज हो जाएगा। आपको बताते चलें कि कॉलेज छात्राओं का आगामी 7 तारीख से परीक्षा होना है। बावजूद इसके भारी संख्या में कॉलेज छात्राएं अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। छात्रों ने बताया कि आते जाते अनेक प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जान माल की हानि की संभावना हमेशा बनी रहेगी। वहीं सरकार नारी सशक्तिकरण की बात की है, लेकिन धरातल पर नारी कुचली जा रही है। जिला कलेक्टर PS एल्मा ने आश्वासन दिया कि जरूर है कि लेकिन अभी इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन तो दे दिया मगर अभी तक लोग संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन उनकी मांगों पर विचार करता है, कार्रवाई करता है या नहीं। यूं ही वार्डवासियों छात्राओं को अप्राकृतिक घटनाओं का सामना करते रहना पड़ेगा। टीवी इंडिया 18 ब्यूरो रिपोर्ट, जांच के चापा, छत्तीसगढ़। क्या समस्या होता आपने? दारू भट्टी खुले से हमारे जो बेटी है, बहुए, महिला है, उमन ला कॉलेज आए बर, स्कूल आए बर और कई तरह काम से धमतरी आना पड़ते। बैंक है और कोई कार्य है, सामान खरीदने के लिए हमार माता मन ला यहाँ आना पड़ते। रोड किनारे दारू भट्टी, आज सिर्फ दारू भट्टी खुले, अगर दारू भट्टी नहीं हटा थे तो रोड किनारे में मछली पसरा, मुर्गा पसला और अनेक प्रकार के दुकान यहाँ पर संचालित हो ही, तो हमार माँ बेटी बहू मन ला सर झुका के ये रोड से गुजरना पड़ी। ये समस्या बहुत है। क्या चाहते हो? ये दारू भट्टी ला यहाँ से हटा के कोई दूसरा जगह व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि एक तरफ सरकार बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रोड किनारे दारू भट्टी खोल करके बेटी मन के सम्मान अपमान अपमानित करते, महिला नारी शक्ति के बात करते, नारी मन ला अपमानित करते रोड किनारे दारू भट्टी ला ला के अनेक दुर्घटना दारू भट्टी सामने आई थे हो सकते। यदि दारू भट्टी नहीं हटाया जाए तो इसके लिए सभी ग्रामवासी और सोरित वार्डवासी, जोधापुर वार्डवासी मिलकर आगे और लड़ाई लड़ेंगे। जब तक कि दारू भट्टी नहीं हटेंगे हमारा यहाँ लड़ाई जारी रहेगा। मेरा नाम लीना ढाले है, यही ग्राम बात कर रही मैं रहता हूँ और यहाँ जो पास में PG कॉलेज है वहीं से मैं MA की पढ़ाई करता हूँ। और यहाँ जो शराब भट्टी खुले ना ओकर विरोध में हम यहाँ पर धरना कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर जो सड़क है ना भट्टी से लगे हुए, वो सड़क ना एक ही बैलगाड़ी में भर जाती। जैसे एक बैलगाड़ी आती ना तो अगर आगे से हम आता तो वो जैसे आते ना तो हम अलग रुके पड़ते, गाड़ी वाले आते ना तो मतलब भी रुके पड़ते। वैसे जगह में यहाँ मैंने शराब भट्टी खोले तो हमारा जैसे आए जाएगा प्रॉब्लम हो। अब वो मन वो पास नहीं पिए, यहाँ पास आके पिए। जैसे गाँव बात करें में बहुत से बच्चा हवे जो मन पढ़ाई करते अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट हवे, ओकर हिसाब से अलग अलग टाइमिंग है सबके, तो अलग 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 आना जाना पड़ते, अकेला आना जाना पड़ते। और जैसे बहुत से बच्चा भी हवे जो मन शाम को काम करे पर मतलब काम करे पर जाते थे जो मन शाम के 7 से 8 बजे आते, कई जन मन 9 बजे तक भी आना होते, तो बच्चा मन के लिए बहुत परेशानी है। चोरी के काम चोरी भी बढ़ सकते, यहाँ जो शराब भट्टी खुली ओकर से चोरी भी बढ़ सकते हैं। नाम बताओ। योगेश्वर सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं? जोधापुर। क्या समस्या है? ये शराब भट्टी को हटाने के लिए सर हम लोग आंदोलन किए। शराब भट्टी खुलने से क्या समस्या है? सर शराब भट्टी खुलने से ये समस्या बहुत विकराल है, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर पर यहाँ पे खेती किसानी जमीन अलग है, बच्चों को आने जाना पड़ता है, भाग तरह की हमारे सब बहन लोग इस कॉलेज स्कूल आते जाते रहते हैं, रात के समय में आने जाने में बहुत तकलीफ पड़ जाएगा सर, क्योंकि बागतरी जाने का इकलौता एक ही रास्ता है। आज तक प्रशासन ने बागतरी जाने का दूसरा कोई विकल्प नहीं तैयार किया है। कहते तो जरूर है कि बागतरी के लिए दूसरे रोड का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं बना है, सिर्फ यही एक रास्ता है जो बागतरी के लिए बना हुआ है। हम लोग की मांग यही है कि इस शराब भट्टी को यहाँ से हटाया जाए। ऐसे भी छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा किया है शराबबंदी का, जो गंगा जल हाथ में लेकर भूपेश बघेल कसम खाया था कि मैं सत्ता में आऊँगा दारू भट्टी बंद करूंगा, तो गंगा जल का कसम खाने वाले सरकार ये भूल गया है कि दारू भट्टी से उस वो अपने इनकम बनाने का जरिया बना लिया है। हम शासन से मांग करते हैं कि ये शराब भट्टी को जनहित में ध्यान में रखते हुए माननीय कलेक्टर साहब इसको हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें, इससे सबका भला है, हम किसी व्यक्ति विशेष का फायदा लेके नहीं चल रहे हैं। मैं ग्राम बागतराई के निवासी हूं और मैं यहां PG कॉलेज में पढ़ाई करती हूं। समस्या है सर कि ये जो शराब भट्टी पे सोरित वार्ड में तेला हटवाना है,
काबर होकर से हमला बहुत भारी परेशानी आवा थी हमारे गांव बागतराई सोरी आठ के मल्ला तेगर सिद्धि का समस्या हो रही थी। समस्या सर की हम रोज के आना जाने ढाली करथन, कोई ना कोई आते जाते काम में जावा थे। हमार माँ मन है, हमारे पिताजी मन है, हमन स्टूडेंट मन हर रोज के पढ़ाई करे जाता है। अभी जो शराब भट्टी है, शराब पिए मन रोज पी के ए रोड में ऐसे कभी तैसे पड़े रहते, या तो सीसी मतलब फोड़ दे रही, या तो हम जैसे जावत है तो मतलब या तो कमिटमेंट करते, या गाली गलौज मन के स्वाभाविक है कि अपन में रही मस्त तो गाली गलौज कर चलत रहते। मालूम बजाय कभी के दिन में कुछ हुआ थे, हमन मैं हो चाहे मोर भाई बहनी हबे आवत है जावत है बहनी मन, हाँ अगर कभू दिन में छेड़छाड़ हुआ थे या अभी तो बलात्कार के दिन चला थे, कभू दिन में काकरों से कुछ हो गए तो ओकर जिम्मेदारी का कलेक्टर हली, कहो अबकारी विभाग हली, कौन हली ओकर जिम्मेदारी ला। बस यही चाहत हो कि ये जो शराब भट्टी है वो है कल हट जाए। मेरा नाम सुमन रावटे है और मैं पंडित रविशंकर शुक्ल की साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं डेली यहाँ से कॉलेज जाती हूँ। तो अगर ये भट्टी मालूम की बात ये भट्टी खुल जाएगा और यहाँ पे जो शराबी है वहाँ पीने के बजाय यहाँ पियेंगे, और यहाँ पे पीने के बजाय इतना सारा जो गाली गलौज करते हैं ना वो सब यहाँ पे सुनने को मिलेगा, और ऊपर से हम लोगों के साथ ना छेड़छाड़ भी होगा। तो हम चाहते हैं कि ये भट्टी पूरी तरह यहाँ से हट जाए और बंद हो जाए। इसी की अपील हमने कलेक्टर के पास किया था, लेकिन कलेक्टर है कि इसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, और बोलते हैं गए थे हम लोग परसों तो बोलते हैं कि इसका निरीक्षण करके बताते हैं। तो जब पहले कलेक्टर थे क्या नाम था उनका, मौर्य सर, हाँ, तो उनको जब वो यहाँ से गए धमतरी से तो उनको दस्तावेज कुछ दे के गए होंगे, तब तो साइन किया होगा, तब ये भट्टी खुला होगा। तो उनको पढ़ समझ के निरीक्षण करके ये भट्टी खोलना चाहिए ना, यहाँ पे इतना धार्मिक स्थल है, कॉलेज है और स्कूल है, और यहाँ से महिलाएं डेली खेती करने आती है और कॉलेज भी जाती है। तो उनको सोच समझ के यहाँ पे खोलना चाहिए ना भट्टी। तो ये भट्टी ना यहाँ से पूरी तरह हटना चाहिए। सर आपसे हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि ये भट्टी बंद कीजिए। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, मैंने तहसीलदार को बताया हुआ, भेजा हुआ है कि वास्तविक स्थिति क्या है, और समझ के वहाँ पर निराकरण कराएं, और आपके जो प्रशासनिक के क्षेत्र में भी है वो भी, और जनप्रतिनिधियों का मांग है वो भी, उस पर दोनों को सुनने के बाद उसका निराकरण करने के लिए मैंने कहा है। अगर वहाँ पर हल नहीं होती है तो SDM साहब को भेज के या फिर मेरे पास बुला के उसका निराकरण कर लीजिए। विकास कार्य कोई एक दिन के उसमें कोई प्रभावित नहीं हुआ, नियमित रूप से तो बैठते हैं। कल भी मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा हूँ ऑफिस में, एक दो पार्षद मुझे शिकायत किए थे फोन टेलीफोन से, और उन्होंने भी कहा है कि नहीं CMO आ गए, तो उसमें विकास कार्य या फिर जो नियमित काम है उसमें कोई किसी तरह की दिक्कतें नहीं हैं। अगर उन लोगों ने बैठे हैं वहाँ पर तो वो उसका निराकरण के लिए मैंने अधिकारियों को भेजा है, वो करेंगे। सर नहीं, वहाँ पर बहुत सारे काम हैं जो नगर पंचायत स्तर पर कराए जा रहे थे, उसमें अनियमितता है, कुछ जांच वाँच हुई है उसमें भी अनियमितता पाई गई है कि ठीक से जांच नहीं किया गया है, या उसके बाद बाजार जगह पे है का है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पर शासकीय ज़मीन के अतिक्रमण की बात आई है, इस तरह के हैं चीज़ें हैं। नगर पंचायत के प्रतिनिधि वहाँ पर जो अन्य लोग आके बैठते हैं, ये सारे चीज़ों पर बात की, मैंने विस्तृत विस्तार रूप से सुना है उनको, और मैं उसके आगे कार्रवाई की आश्वासन दिया हुआ। इसका हल निकालेंगे, नियमित रूप से चलते रहते हैं, जहाँ पर उचित होगा वहाँ पर करेंगे। अगर कुछ जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, अगर बैठे हैं तो उसको देखेंगे कि वो समुचित रूप से उचित है तो वहीं रहेगा, अनुचित है तो उसको हटाएंगे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैंने आबकारी अधिकारी और SDM को लगा रखा है, वो उस पर निर्णय लेके मुझे बताएंगे। वर्तमान में जो ज़िले में कम वर्षा होने के से फसल नुकसान के आकलन के लिए निरंतर गिरदावरी चल रही है, और जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी लोग धान के बदले वृक्षारोपण किए हैं, इसकी भी हम लोग तस्दीक करवा रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं पूरे ग्रामीण एरिया में
जो मुख्य रूप से चारों ब्लॉक है वहाँ पर निरंतर दौरा किया हूँ और उसमें पाया है कि जो हमारे राजस्व अमला है, कृषि अमला है, वो वास्तव में जो अभिलिखित व्यक्ति के खेत में धान बोया गया है या उद्यान की फसल है या कौन सी फसल है इसकी संदर्भ में गिरदावरी करते हैं। साथ साथ ये भी है कि धान की फसल की स्थिति कैसी है ये भी वहाँ पर देखते हैं, उसको परीक्षण करें, निरीक्षण करने वहाँ पर मैंने गया हुआ था। और थोड़ी बहुत मगरलोडा और नगरी विकास खंड के जो बोराई, निकमा, मैनपुर एरिया है यहाँ पर दिक्कतें हैं और बाकी क्षेत्र में क्योंकि ज़िले में 75% से 80% सिंचाई है इसलिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं और अन्य ज़िलों की तरह हमारे यहाँ दिक्कत नहीं होगी। कुछ जो क्षेत्र हैं वहीं पर दिक्कत है, बाकी जगह हम लोगों ने वहाँ पर जो नदी नाले हैं वहाँ से पंप लगाकर सिंचाई करने के लिए और अपलैंड जो फसल है उसको लगाने के लिए निर्देश दिया है। गिरदरी का काम करीब 45% हो गया है और इस महीने में पूरा हो जाएगा। सर पर्वतारोही के लिए स्पॉन्सर के लिए आए थे? हाँ, स्पॉन्सरशिप तो हम लोग करते नहीं हैं लेकिन चूँकि दिव्यांग है और दिव्यांग मत में और शासन से अनुरोध करके प्रयास करें कि इनको जो उनकी आपका एक उत्सव है उत्साह है उसको संवर्धन करें और अवसर दें ताकि हमारे जो दिव्यांग बच्चों हैं उनको भी आगे आने का मौका मिल सके। सर नरनारी धान की शिकायत लेकर आ गए? हाँ, नरनारी धान की निरंतर शिकायत आती रहती है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। फिर से अभी मैं सिंचाई ने कृषि विभाग को बुलाया है और उसमें पूरी जो किसान दिए हुए हैं उसको परीक्षण करा के उनको पैसे दिलवाएंगे।